अस्सलाम वालेकुम जी काश्कार भाइयों और व्यूज़ आई चलते हैं बात करते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से और आपको बताते हैं कि हफ्ते और इतवार वाले दिन यानी 18 मई और 19 मई को जो है वो मौसमी सूरत हाल मुल्क भर में क्या रहने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि मुल्क भर में जो है शदीद गर्मी की सूरत हाल है जी। हीट वेव जो है वो चल रही है, हीट स्ट्रोक का जो है वो पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि हफ्ते वाले दिन जो है वो मुल्क भर में जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो 45 सेंटीग्रेड तक रहेगा। यानी अगर हम बात करें सुबह सिंध के अंदर तो मीरपुर खास में जो है वो 46 इस तरह से, उमरकोट में 46, मिट्टी में 45 और उसके साथ साथ सखर में 47 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो कराची में भी 40 तक जाएगा। इस तरह से बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर भी जो है वो 38 से 40 के करीब टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है। इसे पंजाब की अगर बात करें तो रहीम यार खान, बहावलपुर, भावलनगर, मुल्तान, लिया, शोरकोट, साहिवाल, भावलनगर, फैसलाबाद, सरगोधा, डिस्मिल खान, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि 45 सेंटीग्रेड तक जो है वो रहने वाला है। तो ये सूरत हाल रहेगी मुल्क भर में इस्लामाबाद से लाहौर तक, जो टेम्परेचर जो है ये 45 के दरमियान जो रहने वाला है। तो ये हफ्ते वाले दिन का टेम्परेचर है। इसी तरह से अगर हम इतवार वाले दिन की बात करें तो इतवार वाले दिन भी जो है वो शदीद गर्मी का जो है वो अलर्ट है, यानी हीट वेव चलने का खदशा है। तो इसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन जो है एक बारिश स्पेल भी मुल्क में दाखिल होगा, जो कि बारिश बरसाने का बास भी बनेगा। तो आइए अब उसकी तफसीलात जानते हैं। तो काश्कार भाई चलते हैं, अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से जो बारिश स्पेल के हवाले से है। तो याद रखें कि हफ्ते वाले दिन जो है दोपहर तक जो है इस सिलसिला जो होगा बारिशों का, जो बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर जो है कोटा है, सिबी है, मुस्लिम बाग है, लोरलाई है, ज़ियारत है, तो वहाँ पर जो सिलसिला जो है वो एक्टिव हो सकता है। इससे आधी तूफान और बारिश के इम्कान होंगे, इसमें चागी तक जो बारिश के इम्कान होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि कराची के इलाकों के पास भी बारिश के इम्कान हैं, उसके साथ साथ जैसे डेर अजमेर खान है, मुल्तान है, लिया भखर है, सरगोधा है, फैसलाबाद है, तो यानी वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर भी जो है बारिश के इम्कान बन सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। और उसके साथ लाहौर है, जंग सदर है, इस्लामाबाद है, कोटली है, पिंडी है, मुजफ्फराबाद है और शिमला के जात में जो है जमकर जो है बर्फ़बारी और बारिश के इम्कान होंगे। तो इसमें साथ जो है वो आंधी तूफान का खदशा भी होगा। तो ये सूरत हाल है जी हफ्ते वाले दिन की, जो कि बारिश की बन सकती है, जबकि इतवार वाले दिन जो है वो मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो इस तरह से इस सिलसिला जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ये शाम तक क्लियर होना शुरू हो जाएगा।